तीनों महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 महाराज श्री, एलक श्री और छुल्लक महाराज श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, सिद्धि क्षेत्र में वास्तु का कितना प्रभाव पड़ता है और वर्तमान समय में जैन समाज क्या वास्तु के चक्कर में कर्मकांड की तरफ नहीं बढ़ रही है क्या? देखिए, ये सवाल कौन कर रहा है? जो खुद एक आर्किटेक्ट है, वास्तुविद है, और आर्किटेक्ट ही नहीं वास्तु शास्त्र के अनुरूप काम करने वाले आर्किटेक्ट है। और इनके काम का तो एक सुंदर उदाहरण गुणायतन का एजिनाला है, आप देख सकते हैं। देखने में कद छोटा है लेकिन प्रतिभा बहुत ऊंची है जो यहाँ साकार ले रही, रूप ले रही है। आपका जो सवाल है, सिद्ध क्षेत्र में वास्तु की बात का, देखिए वास्तु हर जगह अपने अपने हिसाब से लागू होता है। दर्प क्षेत्र काल भाव की शुद्धि का विधान हमारे शास्त्रों में है, लेकिन इस संदर्भ में मैंने अनेक बार कहा कि वास्तु को मानो, वास्तु का हवा मत मानो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वास्तु के अनुरूप नहीं होती, और हमारे लिए जब उसका कोई परिहार नहीं दिखता तो हमको दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए। और जब चीज़ों का कोई सॉल्यूशन दिख रहा है तो उसको आजमाने में कोई हानि नहीं है। वास्तु है, गणित है, न्याय, व्याकरण है और ज्योतिष है और आयुर्वेद है। वास्तु, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद और व्याकरण, ये सब लौकिक शास्त्र हैं। क्या है ये? हमारे लोक जीवन के निर्वाह के लिए बताए गए शास्त्र हैं। इनको अपनी सुविधा और परिस्थिति के अनुसार जितना माना जा सके मानना चाहिए, लेकिन लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए। सब चीज में कुछ भी हो तो ये वास्तु, कुछ भी हो तो ये वास्तु, कुछ भी हो तो ये वास्तु। जब ये गुणायतन का भूखंड लिया गया ना, तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा ये भूखंड तो बड़ा विचित्र है, 10 जगह से कटा हुआ है और उत्तर में पहाड़ है, ये वास्तु कैसे होगा? तो हमने कहा दक्षिण में महापर्वत है। जब यहाँ आके खड़ा हुआ तो मुझे लगा कि ये धरती पुकार पुकार के कह रही है कि जो करना है यहाँ कर लो। मैंने कहा आप कुछ नहीं देखना, काम करो और आगे बढ़ो, परिणाम आप सबके सामने। तो वास्तु में एहसास का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन वास्तु कुछ नहीं होता ये कथन भी ठीक नहीं है। यथासंभव अगर आपके पास सॉल्यूशन है, करने की अनुकूलता है, तो मानना चाहिए। पर इतना मान करके चलना केवल वास्तु सुधारने से कुछ नहीं होगा, वास्तविकता ठीक होनी चाहिए। जब तक तुम्हारा कर्म चक्र नहीं हो तो कोई वास्तु काम नहीं आता, इसलिए इन सब बातों को देख समझ करके ही चलना चाहिए।